आपको क्या लगता है कि औरतों को कैसे मर्द पसंद है और औरतें मर्दों से क्या उम्मीद रखती हैं? इन सवालों के जवाब शायद आपको अदनान उल हक की इस वीडियो से मिल जाएंगे जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। अदनान उल हक के मुताबिक औरत और मर्द एक बराबर नहीं है। इसके पीछे वे कुछ कारण भी बता रहे हैं। इसके अलावा अदनान उल हक ने औरत और मर्द को सही जिंदगी बतीत करने की कुछ राय भी दी। औरत और मर्द कभी भी बराबर नहीं हो सकते। औरतों को कंटेनमेंट की जरूरत होती है। कंटेनमेंट क्या है कि एक जैसे ये बोतल है ना, वाटर की बोतल है, और ये वाटर की बोतल के अंदर ये पानी है, तो ये बोतल ने पानी को कंटेन किया हुआ है। आप ये समझे कि ये जो बोतल है ये मर्द है और ये जो अंदर पानी है ये औरत है। समुंदर के अंदर एक सीपी होती है ना, और सीपी के बीच के अंदर मोती होता है। आप ये समझिए कंटेनमेंट को इस तरह से कि वो जो सीपी के ऊपर जो कवर है, शेल है, वो मर्द है, और उसके अंदर जो मोती है वो औरत है। औरत और मर्द को कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे एक घोड़े को और एक हिरन को आपस में कंपेयर करना। कंपैरिजन ही गलत है। औरतों के राइट कभी भी मर्द के बराबर नहीं हो सकते, और मर्दों के राइट कभी औरत के बराबर नहीं हो सकते। वो ऐसी औरतें जिनको ऐसे मर्द मिलते हैं जो कि थोड़े खुसरे जो मर्द होंगे, तो पता होना अक्सर ऐसे मर्दों के साथ औरतें नहीं रहती। जो ऐसा मर्द जो औरत को हर चीज़ के अंदर आज़ादी दे, हर चीज़ के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, हर चीज़ के अंदर वो औरत पे ही सारी डिसीजन मेकिंग छोड़ दे, सारी कंट्रोलिंग एवरीथिंग औरत पे ही छोड़ दे, ऐसे मर्दों के साथ औरतें नहीं रहा करती, छोड़ के चले जाया करती हैं, भाग जाया करती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं। ये जो चीज़ कंटेनमेंट है ये मर्द को कैसे कहाँ से आती है? मर्द सीखते हैं अपने घर के अंदर से ये कंटेनमेंट करना। और ये कंटेनमेंट जो है ये कहाँ से मर्द सीखता है? ये सोसाइटी में सीखता है, और मर्दों से, अपने दोस्तों से और इर्द गिर्द के लोगों से ये कंटेनमेंट सीखता है। और कुछ मर्द जो हैं जो घर के अंदर ही रहते हैं, जो सीख नहीं पाते, जो ऐसे फैमिली में बड़े होते हैं जहाँ पे फैमिली कल्चर नहीं है, इंडिविजुअलिटी होती है, वो वहाँ पे बड़े होते हैं, उनकी अपनी कंटेनमेंट की नीड होती है। जब वो बड़े होते हैं तो उनको नीड होता है कि हमें कोई कंटेन करे। वो कहते नहीं, मैं बोतल नहीं है, मैं हूँ पानी है, तू मेनू कंटेन कर। जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम मुझे कंटेन करो, तो वो एक बिल्कुल औरत की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कंटेनमेंट की नीड जो है मैट नहीं हुई होती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी खूबसूरत लड़की होगी लेकिन उसको प्यार होगा किसी खुंग दे नाल, ऐसा होता है ना, क्योंकि औरतों की मस्कुलर नीड होती है। अब हमारी सोसाइटी में जो डिवीजन हम लोगों ने क्रिएट कर दी ना, बड़ी डिफरेंट सी एक्सपेक्टेशन रख दी है। एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने क्या रख दिया है कि बीवी जब लड़का डिसीजन लेता है ना अपनी शादी का, वो देखता है कि मेरी बीवी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आपने देखा होगा ये जितनी लव स्टोरीज हैं ये हमेशा तभी कब क्यों कामयाब हो जाती है, जब दोनों की प्रोफाइल अप होती है, दोनों की प्रोफाइल जबरदस्त होती है, लव स्टोरी कामयाब हो जाती है। जब उसमें से एक आध बंदा बेचारा गरीब होता है, लव स्टोरी कामयाब नहीं होती। उसकी वजह यह है कि आजकल जो मर्दों ने क्राइटेरिया बना लिया ना शादी का, वो ये बना लिया है, वो चाहते हैं कि वो फीमेल जो है ये भी जॉब करे, ये भी पैसे लेके आए। उसकी पहले क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उसकी देखी जाती है नौकरी गवर्नमेंट करती कि नहीं करती, गवर्नमेंट टीचर है या ये नहीं है, ये मेडिकल डॉक्टर है या नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर है या नहीं है, ये देख के फिर वो शादी करता है मर्द। और वहाँ पे आके सबसे बड़ा मसला शुरू हो जाता है। अब जब इस तरह का मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो कंटेनमेंट की नीड की पूरी नहीं कर रहा औरत की, औरत को चाहती है कि मर्द उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, औरत चाहती है कि मर्द जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसको जब उसको आप खुद पानी पीने गया तो उसके लिए भी एक पानी का गिलास लेके आए, अपने लिए चाय पीने का दिल कर रहा है तो उसके लिए भी एक चाय का कप बना के लाए, उसको थकन फील हो रही है तो अब वो समझे कि मेरी बीवी को भी थकन फील हो रही है, उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करे। यानी कि औरत चाहती है कि उसको पता भी नहीं लगे लेकिन उसको एक केयर मिल रही हो, एक प्रोटेक्शन मिल रही हो। क्योंकि ये हजारों सालों से हमारे जो मेल और फीमेल के जो मस्कुलर डेवलपमेंट हुई हुई है ये इसी टेंडेंसी से हुई हुई, और आपके जो जीन्स हैं उसके अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली बिल्ड है कि जो मर्द है वो मस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाता है, मस्कुलर यानी बॉडी ताकत पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जाता है, और जो औरत है वो एक नरम पॉइंट ऑफ व्यू से जानी जाती है। आजकल क्योंकि पहले हुआ ये करता था कि मस्कुलर पावर लोगों के अंदर रिकग्नाइज, सोसाइटी उसको रिकग्नाइज इस तरह से किया करती थी
कि जिसको तलवार अच्छी चलानी आती है, जिसको असला अच्छा चलाना आता है, जंगों में अच्छा लड़ना आता है जिसको, उसकी तरफ औरतें ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करती थी। अब ये चीज़ मस्कुलर से शिफ्ट होके ये आ गया कॉन्फिडेंस के अंदर। ऐसे मर्द जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, जो बोलने में, जो बात करने में, जो लोगों को डील करने में बहुत अच्छे हैं, अपनी बॉडी के अंदर यानी कि जो फिट हैं, वो मस्कुलर पावर का जो स्पेक्ट्रम है वो उस तरफ शिफ्ट हो चुका है। हुन औरतों देख दिया कि मर्द जड़ा कितना कॉन्फिडेंस है, उसके कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा उसकी डीलिंग है, कितने अच्छे अंदाज में वो चीज़ों को दूसरों को फेस करता है। अब वो जो पावर का जो स्पेक्ट्रम है उस तरफ शिफ्ट हो गया है। ऐसे मर्द जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, औरतें उनको ज़्यादा लाइक करती, चाहे मुँह चिब्बा यही हो या बंदर की तरह बूथी हो, लेकिन औरत को वो मर्द अच्छा लगता है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा मर्द मेरी नीड को मैट करेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मुझे वो कंटेनमेंट, यानी अगर औरत वो पानी है तो वो कंटेनमेंट प्रोवाइड करेगा, मुझे जाया होने से बचाएगा। मर्द का काम है औरत को जाया होने से बचाना, उसको प्रोटेक्शन। लेकिन आप इसको जरा गलत समझ लेते हो, आप कंटेनमेंट को कंट्रोलिंग से लिंक करते हो, आप हर चीज में कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, उन्हों का साह लेना भी तुम बंद कर देते हो, ये गलत अप्रोच हो जाती है। कंट्रोलिंग और कंटेनमेंट में बहुत फर्क है। कंटेनमेंट में सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करें औरत की, उसको दे, उसका नीड का ख्याल रखा करें, पानी का ग्लास पीने जाएं उसके लिए भी एक लाएं, चाय का दिल कर रहा है कभी कभी खुद उठ के बना ले उसको भी एक कप दें, दबाने का दिल कर रहा है कोई गाल नहीं, पैर भी दबा दो कोई गाल नहीं, बस कोई मसला नहीं, थोड़ा दिल कर रहा है उसका भी दबा देंगे कोई मसला नहीं आएगा, कोई रन मरीदी जा भी जो कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं होता, राज के रन मरीदी क्या करो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये मर्द की शान होती है औरत को प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करना, और यही एक औरत चाहती है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो ऐसे मर्दों के साथ रहना पसंद करती हैं जो सख्त होते हैं, वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं। मसला ये है, अब ऐसे मर्द मिलते नहीं जो कंटेन करें, मेरी बात समझ, ऐसे मर्द मिलते नहीं जो इस पानी को कंटेन करें, ऐसी सीपियाँ मिलती नहीं जो इस हीरे को मेनटेन करें, प्रोटेक्ट करें, तो उनकी नीड तो उधर ही है कंटेनमेंट की औरत की, तो फिर वो किसकी तरफ जाते हैं, कंट्रोलिंग मर्द की तरफ ज्यादा जाते हैं। ऐसे मर्द जो खुंग जो होंगे, आकड़ के रखेंगे, शोर मचाएंगे, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, उन्हें लगता है कि शायद ये कंट्रोलिंग मर्द और जरा कुत्ता या बंदा है वो मुझे कंटेनमेंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो बंदा कंटेनमेंट तो प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए वो अनहैप्पी रहती हैं, क्योंकि कंट्रोल वो अपनी कंटेनमेंट की नीड को अपनी कंट्रोलिंग से कंफ्यूज वो भी बेचारी कर देती हैं, और कंट्रोलिंग जो मर्द होता है उसकी तरफ वो मुतवज्जा हो जाती हैं। अहुन जो खुसरे जो मर्द होते हैं, जरा मम्मी डैडी, औरतें मम्मी डैडी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उनकी उनकी सफ़े नाजुक में आई ये चीज़, लेकिन मर्द मम्मी डैडी आप खुद बता दो, अब मर्द मम्मी डैड तो बेचारे आप एक और मर्द की जरूरत है कंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने, क्योंकि वो भी बेचारा इस तरह का बन गया ना, तो ये कंटेनमेंट की नीड जो है ये मेल्स को बचपन में सिखानी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बच्चे तेरा काम है प्रोटेक्शन देना, तेरा काम कंट्रोल करना नहीं है। प्रोटेक्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ। कंट्रोल है कि इतों तुम सील ला के ना बिल्कुल बंद किया, प्रोटेक्शन क्या है कि ये पानी है, समझे ये औरत है, ये बोतल है, ये बोतल के बीच में औरत है, अब औरत का दिल कर रहा है बाहर निकलने का, अब आपका ऐसे ये निकाला, ये फ्लो हो रहा है, कंट्रोल नहीं है, देखो बोतल का ढक्कन खुला, कंट्रोलिंग नहीं है, कंटेनमेंट है, यानी पानी महफूज फील कर रहा अपने आप को, गिर रही ना, कहीं टूट नहीं रहा, लेकिन जब वो निकलना चाहता है पानी तो वो निकल भी रहा है। कंट्रोलिंग और कंटेनमेंट के फर्क को समझें। मर्दों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और औरतों को ये चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को बेहतर करें, क्योंकि आजकल जो मर्द हैं वो मर्द के बच्चे कम हैं, वो बगैरत लोग अक्सर आपको मिल जाते हैं, और अक्सर जो बगैर लोग मिल जाते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि औरत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो औरतों को अपनी कमेटी समझना शुरू कर देते हैं, वो समझते हैं कि औरतें हमारा पेंशन फंड है, औरतें कमाएं और हम घर में बैठ के रोब भी डालें, हम उनकी कुत्तियाँ भी करें और वो कमा के हमारे लिए लाएं। इसमें देखें ना, आपकी औरत खुश रहेगी, वो फिर बाहर कहीं और ऐसा मर्द ढूंढेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो वाकई उसको कंटेनमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि उसकी नीड तो वहीं पे है। अच्छा, कुछ एक और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है स्ट्रॉन्ग वीमन का, ये जो स्ट्रॉन्ग वीमन होती है ना, ये कुछ नहीं होती, ये सारा कुछ बकवास है, कोई स्ट्रॉन्ग वीमन का कॉन्सेप्ट नहीं है।
जब औरत को कंटेनमेंट बाहर से नहीं मिलती, अपने मर्द से नहीं मिलती, तो वो अपने अपने अंदर वो मस्कुलर एनर्जी डेवलप कर लेती है। मस्कुलर एनर्जी मीन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेती है, अपने अंदर वो चीज़ें बिल्ड कर लेती है, लेकिन अंदर से वो वैसी रहती है, उसकी नीड वैसी रहती है। आप जो मर्द उसे डील करते हैं ना, अब वो मर्द जो उसे डील करते हैं वो समझते हैं कि ऐसी औरत जो कि स्ट्रॉन्ग औरत है उसको मैं बिल्कुल थल्ले ला के रहना, पैरा थल लग के मरीद भर के रहना, नाले आप ही कमाएगी, आप ही नाल अपने आप में संभालेगी, मुझे संभालेगी क्योंकि ये इसमें खुश रहती है। नहीं, वो उसमें खुश बिल्कुल नहीं रहती, उसकी नीड भी वही है, उसको वो नीड मिली नहीं है, इसलिए वो इसने वो कंटेनमेंट, ये जो पानी है ना, इसने अपना कवर खुद ब खुद बना लिया, इसने बर्फ अपने इर्द गिर्द खुद ब खुद जमा ली है, लेकिन है वो बर्फ, वो किसी वक्त भी टूट सकती है। मर्द को अपनी वो बोतल का कवर बनना पड़ेगा, सीप वो मोती के ऊपर सीपी जो है वो मर्द को बनना पड़ेगा और डिफरेंस को समझ के फिर चलना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते, अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं कर रहा, आपका ख्याल नहीं रख रहा और वो आपको बिल्कुल कैजुअल ले रहा, तो एक काम ज़रूर करें, अपनी एजुकेशन बहुत ही अच्छी कर लें। अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी करेंगी, साथ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी कर लें। आप जॉब जो आपने की है शादी से पहले, अगर मर्द आपका पसंद कर रहा हो जॉब के साथ, कभी भी शादी के बाद उस जॉब को छोड़े ना, क्योंकि मर्द आपने इसने की इसलिए कि आपसे फंड आ रहे हैं, कभी उसको छोड़े मत। नंबर टू, अपने फाइनेंशियल जो आपके अफेयर्स हैं उसके अंदर मर्द की इंटरफेरेंस ना होने दें। जैसे मर्द अपने फाइनेंशियल अफेयर में आपकी अपनी इंटरफेरेंस नहीं होने देता ना, इसी तरह आपकी जो सैलरी है उस पर अपने पार्टनर का कंट्रोल मत होने दें। आपकी सैलरी आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपके फाइनेंसेस आपका कंट्रोल होना चाहिए, और आपकी जो आपकी जो सक्सेस का राज ये है कि आप आजकल की सोसाइटी में कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आप अपने फंड भी अपना अरेंज कर रहे हो, अपनी जो एबिलिटी है वो भी दिखा रहे हैं। मसला ये आता है कि जब आप मार्केट में जाती हैं, सोसाइटी में जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शुरू से ट्रेन ही इस तरह होते हैं, यारों दोस्तों में उठते बैठते हैं, साइकोलॉजिकली उनके माइंड में ये बताया जाता है कि दो तीन औरतें होनी चाहिए, चार पांच गर्लफ्रेंडें होनी चाहिए, ये उनका माइंड डेवलप कर देती है हमारी सोसाइटी में के लोग। उनका भी बेचारों का कसूर नहीं होता कि उनकी ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह से हुई होती है। तो जब वो मार्केट में आप जाते हो बाहर, तो मर्द जो है वो बिल्कुल शिकरे बन के बैठे होते हैं। इसके लिए सोल्यूशन आपके पास ये होता है कि आप अपने गार्ड पहले से ही अप रखा करो। मर्द जो होते हैं ना, ऐसे मर्द, इनके पैरों के नीचे जमीन बिल्कुल नहीं होती। इसका सिंपल सा सलूशन होता है, अगर कोई घटिया बात करे ऊंची आवाज में बोलो, उसके साथ चार पांच लोग बैठे ऊंची आवाज में बोलो, उसके पैरों के नीचे से जमीन ऐक करके, जैसे सफ नहीं हिलती बंदा नीचे गिरता है, इसी तरह उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच लिया करो, ऊंची आवाज में बोला करो, कोई बदतमीजी करे थोड़ी सी ऊंची आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड कर दो, चार पांच मर्द और सुने, उनके ऐसे मर्द ऐसे भाग भूग जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको जो पिन पॉइंट है, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि आप अननोन सिचुएशन में ऑफिस में आ जाते हो, आपको पता नहीं होता, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, जिसकी वजह से आप टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते। अगर आपने पहले से ही अपने गार्ड तैयार किए हैं कि ये होगा तो मैंने क्या करना है, ये होगा तो मैंने क्या करना है, स्टैंडर्ड पॉलिसियां चार पांच अगर आपने बनाई हुई हैं, पहले से ही बना के अगर आपने रखी हैं, फिर आपके गार्ड हर वक्त अप रहेंगे, फिर लोग आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे ऑफिस के अंदर, अब्यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप ये बात समझा करो कि मर्द ऊपर है और हम नीचे हैं। देखें जो बिजनेस है ना, बिजनेस में क्योंकि मर्द ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ओनर ही बिजनेस है, औरतें कम बिजनेस कर रही हैं, इस वजह से औरतें ऊपर नहीं जा पा रही। अगर औरतें खुद अपना बिजनेस करना शुरू करें वो खुद ब खुद औरतों को प्रमोट करेंगी। दूसरा, जब आप ऑफिस में जाते हो तो आप चुगलियों में पड़ जाते हो, आपको लगता है कि आपकी कंपटीशन जो है वो साथ वाली लड़की से है, वो जो ये कंपटीशन है ये बहुत वर्स कंपटीशन होता है, इसकी वजह से आप अपना बहुत लॉस करते हो। जो चार पांच इर्द गिर्द के कुत्ते बिले लोग होते हैं वो फिर आपको एक आध बंदा अब्यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल, आपका ऑफिस अफेयर में आपकी शदीद किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाती है। कंपेरिजन हमेशा, अपना कंपटीशन किसी से मत रखो, सिर्फ अपने आप से रखो। मीटिंग के अंदर आप बोला करो, अपनी आवाज उठाया करो, अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को फिट फील किया करो, अपनी बॉडी के अंदर मेल्स भी और फीमेल भी अपने आप को बिल्कुल फिट फील किया करो। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, जब आपकी कंटेनमेंट की नीड अक्सर पूरी नहीं हो रही होती, तो आप ऑफिस में किसी बॉस को, किसी कोलीग को,
किसी और को अपने पानी की एक कवर बना के आप उसकी वो बंदी बन जाती हो। ऑफिस में कभी भी किसी की बंदी मत बनो, ऑफिस में कभी भी किसी को कवर मत समझो, क्योंकि सारे के सारे शिकरे बैठे हुए हैं, हर कोई अपने अपनी नीड में। ऑफिस में जब आप जाते हो अपनी पर्सनल नीड को, अपने पर्सनल इमोशन को सेपरेट करके आप दफ्तर में जाया करो। ये सारी चीज़ें आप अपनाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। और कभी भी ये कंपैरिजन ना करें, मर्द और औरत बिल्कुल बराबर नहीं है, ना मर्द ऊपर है ना औरत ऊपर, टोटली डिफरेंट है और दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए पीछे वाले, तो दो पहिए आगे वाले, दोनों इसी तरह से गाड़ी चलती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। ये सब विचार अदनान उल हक के हैं जो हमने आपको बताए और दिखाए। वे क्या सोचते हैं उन्होंने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको उनके विचार कैसे लगे, और आप अपने विचार भी कमेंट में बता सकते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.